सत श्री अकाल जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आप सबका आप सबके चैनल SS बिल्डर्स ग्रुप के ऊपर। दोस्तों, मैं शरणजीत सिंह आज आपको दिखाने वाला हूं 250 स्क्वायर यार्ड का डुप्ले हाउस, जिसकी लोकेशन रहेगी सेक्टर 125 सनी इनक्लेव, और बी रोड के ऊपर है, मॉडर्न एलिवेशन के साथ रहने वाला है। और काफ़ी अच्छे तरीके से इस एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, सेक्टर 125 सनी इनक्लेव की प्रॉपर्टी रहने वाली है। वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको स्कूल, क्लब, जिम, पार्क, गुरुद्वारा, मंदिर और एक बहुत बड़ी मार्केट और मॉल मिल जाएगा। नेशनल हाईवे से बिल्कुल 500-600 मीटर की दूरी पे रहने वाली कॉर्नर की डुप्ले प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छे तरीके से पूरे एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। जितना अच्छा, खूबसूरत, ब्यूटीफुल इसका एलिवेशन रहने वाला है, उतना अच्छा ही इंटीरियर के ऊपर पूरा वर्क आपको मिलेगा। तो 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। कॉर्नर का बेनिफिट ये रहेगा कि पर्सनल घर के अंदर आपको बहुत अच्छा गार्डन भी मिलने वाला है। और 34 फीट इसका फ्रंट रहेगा और 66 फीट लेंथ। 33x68 का जरा प्लॉट का साइज़ है। तो इतों तुम देख सकते हो कॉर्नर का व्यू, बहुत अच्छे तरीके से कॉर्नर को डिज़ाइन किया गया है। और रेलिंग प्रॉपर यहाँ पे सेफ्टी के लिए मिलती है आपको पूरे फ्रंट एलिवेशन पे, साइड पे भी, फ्रंट पे भी टाइल्स का यूज़ किया गया है। और जो हमारा शेड देख रहे हो आप टॉप पे, जो एक कटआउट के साथ वुडन में दिख रहा है, वो सारा ही HPL का रहने वाला है। तो हैवी वर्क के साथ एक अच्छी कोठी, बजट प्रॉपर्टी 250 स्क्वायर यार्ड की, जो किसी महल से कम नहीं है, देख रहे हो आप। तो कहीं पे भी अगर आप ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में घर प्लान कर रहे हो तो दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे नंबर से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, हो सकता है हम लोग आपकी हेल्प कर पाएँ। और यहाँ पर आपको वीडियो डोर बेल मिलती है एंट्रेंस पे ही, और 2 गेट हैं, जोड़ी पल्ला और एक छोटा गेट। जोड़ी पल्ला से आपकी गाड़ी एंटर होती है, छोटे पल्ले से आप टू व्हीलर और रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप आराम से 2 गाड़ियाँ बड़ी पार्क कर सकते हो, छोटी गाड़ियाँ 3 पार्क कर सकते हो। पूरे पार्किंग के एरिया के अंदर फ्लोरिंग जो रहेगी ग्रेनाइट मार्बल की रहने वाली है। सामने एक बड़ी विंडो मिलने वाली है, साइड्स वॉल के ऊपर प्रॉपर आपको वॉल टाइल्स मिलती हैं, और डाउनफॉल सीलिंग आपको पार्किंग के एरिया के अंदर भी मिलने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हो आप अपनी सीटिंग, बहुत अच्छी सीटिंग बन जाती है यहाँ पे आपकी, और टू व्हीलर की पार्किंग बहुत अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों, जो प्लॉट साइज़ है वो है 66 फीट लेंथ, बट जो आपको लॉन एरिया मिल रहा है वो लगभग आपको 72 से 75 फुट, 75 फीट के आसपास मिल रहा है। पर्सनल गार्डन यहाँ पर आप अपने वॉक कर सकते हो। तो जोड़ी पल्ले के साथ आपकी इस घर के अंदर होती है एंट्री। ये रहेगा मेन एंट्रेंस पे मैस डोर, जो जोड़ी पल्ला के साथ रहने वाला है, अलग डिज़ाइन, डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ। और ये रहेगा वुडन वाला डोर, जिसमें आप ग्लास का वर्क भी देख सकते हो, मेन एंट्रेंस के ऊपर रहने वाला है। अब चलते हैं हम लोग घर के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और यहाँ से देख सकते हो आप काफ़ी खुला डुला ड्राइंग रूम के सामने का एरिया, आपका डाइनिंग और लॉबी का एरिया रहेगा बिल्कुल किचन के ऑपोजिट। मेन एंट्रेंस पे ही आपका लॉबी और डाइनिंग एरिया जाता है। और डाउनफॉल सीलिंग का वर्क देख सकते हो आप, प्रोफाइल आर्ट के साथ बहुत अच्छा वुडन टच भी रहने वाला है डाउनफॉल सीलिंग के अंदर, और हैवी डाउनफॉल सीलिंग रहने वाली है पूरे घर के अंदर। नेचुरल लाइट की तो बात ही क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी यूज विंडो दी गई हैं। सामने ड्राइंग रूम है, और साइड में कॉर्नर होने के कारण जो स्टेयर्स की वॉल है वहाँ पे बहुत अच्छी बड़ी विंडो दी गई है। और ये रहेगा आपका एक टीवी यूनिट्स, जो डाइनिंग एरिया और लॉबी एरिया के साथ कनेक्ट रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी हुई है, इंटीरियर और एक्सटीरियर के ऊपर दिल खोल के पैसे लाए हुए हैं, बड़ा वधिया ते घेंट घर बनाए हुए हैं। मतलब अगर आप इस घर को विजिट करोगे या प्रॉपर पूरा मन लगा के वीडियो देखोगे तो कभी भी इस घर को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये आगे हमारा ड्राइंग रूम का एरिया, जिसमें आपकी 12 से 14 सीटर्स की सीटिंग बन जाती है, काफ़ी खुला डुला है, और प्रॉपर हैवी डाउनफॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। देखो, एक डिफरेंट डिज़ाइन के साथ एक लाइटिंग शैनर यहाँ पे आपको मिलता है, और लेफ्ट इन साइड वॉल पे एक मोल्डिंग के साथ लीफ लैंप मिलते हैं आपको, काफ़ी अच्छे डिज़ाइनिंग। यहाँ पे भी आपकी वुडन पार्टीशन रहने वाला है, नेचुरल लाइट, एक बड़ी विंडो सामने है, साइड में भी विंडो है जिसे शेडो देख सकते हो आप, और फ्रेश एयर के लिए भी यहाँ पे 2 बड़ी विंडो दी गई हैं। तो ड्राइंग रूम में प्रॉपर प्राइवेसी है दोस्तों यहाँ पे, और
जैसे हम लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं, सामने आपको लॉबी प्लस डाइनिंग एरिया मिल जाता है। फ्लोरिंग भी यहाँ पे प्रीमियम जो है टाइल्स रहने वाली हैं, 4x6 फुट दी, 6x4 फीट की यहाँ पे आपको फ्लोरिंग टाइल मिलने वाली है। जैसे ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं, स्टेयर्स के नीचे आपको वैनिटी का प्रोविज़न मिल जाता है, प्रॉपर वैनिटी लुकिंग मिरर के साथ, क्योंकि डाइनिंग एरिया और लॉबी का एरिया रहेगा इसलिए। और घर में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ड्राइंग रूम है और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट बेडरूम। इसको आप अपने गेस्ट पर्पस से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग हो उस हिसाब से भी इस बेडरूम को कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे बाहर का व्यू दिखता रहता है। और डाउनफॉल सीलिंग यहाँ पे भी बहुत अच्छी, हैवी डाउनफॉल सीलिंग, स्प्लिट एसिस के प्रोविज़न ऑलरेडी दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम सारा ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। और सामने की वॉल देख सकते हो, एक लंबा एलईडी पैनल, और उसके साथ देख सकते हो ग्लास का वर्क और स्लाइडिंग। यहाँ पे आपको कबर्ड्स मिल जाते हैं ड्रॉर्स के साथ, और वॉशरूम जो अटैच रहने वाला है। बेड बैक वॉल के ऊपर साइड लैंप्स और वॉल पेपर बहुत शानदार तरीके से लगाया गया है, और एलईडी पैनल के अंदर भी देख सकते हो दोस्तों आप, काफ़ी अच्छा ग्लास का वर्क रहने वाला है। और सामने एक अटैच वॉशरूम जो इस बेडरूम के साथ रहेगा अटैच, तो काफ़ी खुला डुला वॉशरूम जिसमें ग्लास का पार्टीशन ऑलरेडी आपको पहले से मिल रहा है। वॉल हैंग टॉयलेट शीट्स रहेंगी, 3-bed डिवाइडर, चेकोर की सारी सैनिटरी फिटिंग रहने वाली है, वैनिटी लुकिंग मिरर, प्रॉपर सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। आपने जस्ट अपने क्लॉथ्स कपड़े दे भांडे ले गए ने, जो मर्जी घर शिफ्ट कर जो, साडे वालों घर रेडी हैगा, रेडी टू मूव शिफ्ट प्रॉपर्टी रहने वाली है ये। और ये रहेगा हार्ट ऑफ द किचन, हार्ट ऑफ द हाउस, इस घर का हार्ट मतलब किचन, जिसे देख के हर कोई कहता है वाओ कि मज़ा आ गया ये घर देख के। और ये वाला जो किचन के एरिया है बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत शानदार, खुली डुली और बहुत अच्छी स्टोरेज के साथ बनाई गई है पूरी किचन। विनियर का वर्क भी बहुत अच्छा रहने वाला है, लाइट स्काई कलर के अंदर आपको ये किचन मिलने वाली है, और वाइट क्रीमी शेड के अंदर टॉप काउंटर रहने वाला है, और 3 points का यहाँ आपको होम मिलने वाला है। कैटलरी यूनिट सॉफ्ट क्लोज हैं, जितने भी यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट वगैरह, ये बैक या पेड़े की विंडो, और यहाँ पे आप अपना माइक्रोवे और ओटीजी, और ये फ्लूइड टॉयलेट यूनिट्स आ गया यहाँ पे। और बहुत अच्छी स्टोरेज है क्योंकि सारा किचन फुल हाइट तक बना हुआ है, मतलब डाउनफॉल सीलिंग भी बहुत अच्छी हो रखी है, चिमनी ऑलरेडी पहले से है, ग्लास प्रोफाइल का और प्रोफाइल लाइट का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पे डबल डोर फ्रिज किसी भी साइज़ का आप लेके चल सकते हो, काफ़ी अच्छा 5 feet plus का मार्जिन रहने वाला है। और ये रहेगी आपके रेगुलर यूज़ के लिए किचन, अगर कोई मतलब आपकी पेट एरिया के लिए, ये साइड में ड्यूल सिंक के साथ यहाँ पे एक किचन रहने वाला है, पार्ट किचन का ही है ये, बड़ा किचन है बहुत। और ये रहेगा घर का बैकयार्ड बेड़ा, प्रॉपर बैकयार्ड बेड़े में पूरे बैक वॉल पे और साइड वॉल पे आपको 2x4 की प्रीमियम वॉल टाइल्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं। इस एरिया को आप अपने वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग सेकंड बेडरूम की ओर, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, ये वीडियो डोरबेल के साथ कनेक्ट रहने वाला है सिस्टम। और ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, मास्टर बेडरूम है ये हमारा। तो बेड बैक वॉल के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर वॉल पेपर का यूज़ किया गया, सामने एक बड़ा एलईडी पैनल रहने वाला है, और प्रॉपर हैवी डाउनफॉल सीलिंग में प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया गया यहाँ पे भी। बैकयार्ड बेड़े की इस बेडरूम की घर का जो पिछला बेड़ा है ना, वो कनेक्टिविटी इस बेडरूम के नाल भी रहने वाली है, सो दैट दोनों पासे मतलब बेडरूम बाथरूम के नाल भी सॉरी बेडरूम के नाल भी तो किचन के नाल भी दोनों बेड़िया की कनैक्टिविटी थोड़ा इतने मिल जाती है ना। हूँ चलते हैं आप, देखो एक वड्डा एलईडी पैनल, प्रॉपर सेम फ्लोरिंग जो तुसी देख चुके सीगे ड्राइंग रूम ते लॉबी देरे विच, सेम सारे घर दे विच इक्को ही फ्लोरिंग रहने वाली है। इत्थे तुसी देख सकते हो ड्रेसिंग यूनिट्स डबल ग्लास के साथ, एक डिफरेंट कटआउट डिज़ाइन ग्लास में भी आपको मिल रहा है, ये ओपन क्लोजेट के लिए आ गया आपको। और यहाँ पे रहेंगे आपको सेपरेट ड्रेसिंग एरिया के अंदर स्लाइडिंग कबर्ड्स, जहाँ जिसमें डिक्को का शेड लेके चले हुए हैं लोअर डिज़ाइनिंग में। और ये रहेगा वाशरूम अटैच, यहाँ पे भी आपका ग्लास का पार्टीशन वाशरूम के अंदर मिलता है, जिसमें पूरा वाशरूम अगर शावर यूज़ कर रहे तो गिल्ला नहीं होता, मतलब पानी एक ही जगह पे स्टोर रहता है, मतलब आगे शिफ्ट नहीं होता। देखिए
और 2x4 की यहाँ पे भी आपको प्रीमियम टाइल्स मिल जाती हैं। डाउन फॉल सीलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी रहने वाली है दोस्तों, जिसमें वुडन टच भी रहेगा। तो ये घर देख के आपको लगेगा कि दिल खोल के पैसे लाए हुए ने, मतलब बहुत वधिया काम किया हुआ घर दे विच, ते पैसे ही बहुत वधिया लाए हुए ने। तो घर का प्राइस जानने लिए वीडियो एंड तक जरूर देखियो। अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, अंदर से स्टेयर्स है, स्टेयर्स के ऊपर भी प्रॉपर ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया और साथ में प्रोफाइल लाइट देखी होगी आपने कितने अच्छे तरीके से इंस्टॉल की गई है। जैसे ही एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे लंबी खुली डुली लॉबी मिल जाती है आपको, और एक बड़ी वॉल के ऊपर वुडन का यहाँ पे वर्क रहने वाला है जिसमें डिको का टच रहेगा। डिको शेड्स के साथ ही इसको पूरे को डिज़ाइन किया गया, साथ में प्रोफाइल लाइट का भी यूज़ किया गया, साइड लैंप्स भी रहने वाले हैं, फैंसी लाइट हैंगिंग यहाँ पे भी रहेगी हमारी, और यही स्टेयर्स हमारी कंटिन्यू हो जाएंगे सेकेंड फ्लोर के लिए। तो दोस्तों बहुत शानदार 250 स्क्वायर यार्ड में आपको ये घर मिलने वाला है सेक्टर 125 सनी क्लिप लोकेशन के अंदर, और स्टेयर से राइट साइड टर्न करते ही आपको मिल जाता है पूजा रूम। परमात्मा सब ने चढ़ती कला रखे, और जिन्हें भी साढ़े इस वीडियो के उत्ते जुड़े हुए ने लोग, वाहेगुरु सारियां बहुत वधिया वधिया अते वड्डे वड्डे घर देवे। असीं तां ही अरदास करते हैं हर किसी को अपना घर ते छत होवे, ते परमात्मा दा वधिया कारोबार ते वधिया जॉब रखे, उहदा वधिया सिस्टम बना रहे, इसका वाहेगुरु अग्गे ही अरदास करते हैं। और ये रहेगा पूजा रूम जिसके ऊपर डिको का यहाँ पे भी डिको डिज़ाइनिंग के साथ किया गया है। और अब हम लोग चलते हैं फ्रंट बालकनी की ओर, जो हमारी बहुत खुली फ्रंट बालकनी रहेगी, और यहाँ भी आप देख सकते हो MS का वर्क काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, और फ्लोरिंग यहाँ पे आपको टाइल्स मैट फिनिशिंग के अंदर रहने वाले हैं क्योंकि आउटर एरिया आ गया, और वॉल टाइल्स यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ मिलने वाली है। MS का वर्क इस डिज़ाइनिंग में बहुत खूबसूरती एक्सटीरियर के ऊपर भी और अच्छे तरीके से दे रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा ये MS का वर्क किया गया है। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की ओर। इस बेडरूम को मास्टर नहीं प्रिंसिपल बेडरूम कह सकते हैं, मतलब बहुत खुला डुला बेडरूम हैगा। तो आलमोस्ट लेके चलिए तो 20x25 साइज अप्रोक्सीमेटली बेडरूम होगा है, इसे करके प्रिंसिपल बेडरूम ना रखा था क्योंकि मास्टर बेडरूम थोड़ा एवरेज में रहता है और प्रिंसिपल बेडरूम तो आलमोस्ट पूरे घर का राजा ही हो गया है ना। तो इसलिए इस रूम को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया, डाउन फॉल सीलिंग भी बहुत अच्छी रहने वाली है, और फ्लोरिंग देखिए दोस्तों कितनी शाइनिंग है, प्रीमियम फ्लोरिंग वो रहेगी यहाँ पे, और एक लंबा LED पैनल पूरी लंबी वॉल के ऊपर वुडन का वर्क जिसमें गोल्डन टी पत्ती और भी खूबसूरती से इस खूबसूरती को बढ़ा रही है। एक बहुत बड़ी विंडो देख सकते हो, और PVC शीट की यहाँ पे बेड बैक वॉल के ऊपर डिज़ाइनिंग, और वॉल लैंप्स कितने अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। स्टोरेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जैसे हम लोग वॉशरूम में एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्लाइडिंग कबर्ड्स प्लस ओपन क्लोजेट मिल जाते हैं, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे ओपन क्लोजेट रहने वाले हैं जोड़ी पल्ला के साथ, और प्रॉपर यहाँ पे जिगजैग करती हुई प्रोफाइल लाइट्स पूरे घर के अंदर रहने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हो आप ड्रॉर्स भी प्रॉपर इसके अंदर बने हुए हैं, और स्टोरेज बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अब चलते हैं हम लोग वॉशरूम की ओर। वाशरूम जो रहेगा अटैच है इस बेडरूम के साथ, और वाशरूम भी बहुत खुला डुला है, इन्हें भी तुसी प्रिंसिपल वाशरूम कह सकते हो जिमें प्रिंसिपल बेडरूम हैगा, मतलब ये कोई वो वाली बात नहीं है, मगर है ही बहुत बड़ा, मतलब अगर आप घर विजिट करोगे तो आपको देखने के बाद आइडिया मिल जाएगा। स्टोन शेड्स के साथ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं वॉल टाइल्स, और ये वेंटिलेशन के लिए रहेगा यहाँ पे, और वेंट्री, और यहाँ पे आपको ग्लास का पार्टीशन। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ बेडरूम की ओर, जिसे ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम था, ये भी एक मास्टर बेडरूम रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक लंबा LED पैनल मिलेगा आपको इस, और डिफरेंट डिज़ाइनिंग की यहाँ पे डाउन फॉल सीलिंग वुडन टच के साथ, बेड बैक वॉल के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे वॉलपेपर, साइड्स वॉल लैम्प भी रहने वाले हैं, और सामने एक बड़ा LED पैनल बैक एंड बेड की यहाँ से भी कनेक्टिविटी रहेगी, और एक बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए और नेचुरल लाइट के लिए। पूरे घर में जितने भी LED पैनल हैं वुडन का वर्क है उनमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग आपको डिको की मिलने वाली है, और
सेपरेट ड्रेसिंग एरिया रहने वाला है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं वाटरप्रूफ की ओर और सामने देख सकते हो आप ओवल शेप के अंदर आपको लुकिंग मिरर मिल जाते हैं बहुत शानदार और प्रॉपर ड्रॉर्स बने हुए हैं। प्रोफाइल लाइट का आप देख सकते हो वर्क प्रॉपर यहाँ पे, बहुत अच्छी स्टोरेज। स्लाइडिंग कबर्ड्स फुल हाइट मैनी के साथ रहने वाले हैं, काफ़ी शानदार खुला डुला क्लोजेट का एरिया और बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे वीनियर की गई है और लुकिंग मिरर ने तो चार चंद लाए हुए ने पूरी कोठी के बड़े वधिया तरीके लाए हुए ने पूरे घर के। अब हम लोग जा रहे हैं वाशरूम की ओर जो अटैच रहने वाला है, फोर्थ वाशरूम आ गया यहाँ पे। वॉल हैंगिंग टॉयलेट शूज यहाँ पे भी लगी हुई है, ग्लास पार्टीशन का वर्क यहाँ पे मिलने वाला है, वैनिटी लुकिंग मिरर और सारी सैनिटरी की फिटिंग आपको कंप्लीटेड इंस्टॉल मिल रही है और टाउन फॉल सीलिंग का वर्क काफ़ी अच्छा। और अब हम लोग चलते हैं बैक एंड बेड की ओर जो इस बेडरूम के साथ कनेक्ट था हमारा, कनेक्ट है। और ये रहेगा बैक एंड बेड़ा, काफ़ी खुला डुला बेड़ा हैगा, इतने तुम आपका वॉशिंग पर्पज़ के लिए इस एरिया को यूज़ कर सकते हो जिस भी तरह से, मतलब काफ़ी अच्छी सेटिंग। दो मंजे भी डाल सकते हो पंजाबी जी गल करिए, क्योंकि कॉर्नर हैगा वेंटिलेशन वधिया है ना उहदे हिसाब नाल। और अब हम लोग चलते हैं पेंट्री की ओर, एक बड़ा किचन फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको मिलने वाला है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें किचन चाहिए, तो वही पर्पस से 250 गज के 10 मरला के महल के अंदर हम लोग एक यहाँ पे भी किचन लेके चले हुए हैं ड्यूल सिंक के साथ। और यहाँ पे देखो सारे प्रोविजन मिलेंगे आपको और यहाँ इसी डोर से बैक एंड बेड़े की भी कनेक्टिविटी रहेगी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सेकेंड फ्लोर की ओर, स्टेयर्स प्रॉपर सेकेंड फ्लोर के साथ कनेक्ट रहने वाली हैं, सेम स्टेयर्स, कहीं कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की। नॉर्मल फर्स्ट फ्लोर तक स्टेयर्स रहती हैं, सेकेंड फ्लोर के लिए कच्ची स्टेयर्स लगा देते हैं आयरन की, मगर यहाँ पे देख सकते हो आप सेम स्टेयर सेकेंड फ्लोर के साथ कनेक्ट रहने वाली है। फ्यूचर में अगर आप ट्रिपल स्टोरी घर बनाते तो कहीं आपको ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ेगा। एक राउंड शेप के अंदर बड़ा विंडो का ग्लास का डिज़ाइन मिल जाता है, एक शैनडर जो आपको यहाँ पे रूफ टॉप के साथ कनेक्ट रहने वाला है, और यहाँ पे मिलता है आपको काफ़ी खुला डुला टेरेस और स्प्लिट एसी, सीसीटीवी कैमरा, डिशेस, सारे प्रोविज़न आपको रूफ टॉप पर रहने वाले हैं। और एक सर्वेंट रूम वाशरूम के साथ अटैच, जिसके दो बालकनीज हैं, एक सेपरेट बालकनी रहने वाली है और दूसरी जो बालकनी रहेगी वो सर्वेंट रूम के साथ कनेक्ट रहेगी। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं, राइट हैंड साइड की जो बालकनी रहेगी देखिए कितनी शानदार खुली डुली बालकनी हैगी है, इतने भी तुम आपका वधिया इंजॉय कर सकते हो, कोई छोटा मोटा आपका खाण पीन का प्रोग्राम आपके हिसाब से जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये रहेगा आपका एक सेपरेट रूम जिसको आप अपने ड्राइवर के लिए, अपने सर्वेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, जिसमें एक किचन का प्रोविज़न भी है छोटी सी पेंट्री का, वाशरूम ऑलरेडी है और फ्रंट बेड़े के साथ, मतलब घर की जो फ्रंट बालकनी है, दो बालकनी है इस घर के अंदर, दोनों के साथ कनेक्ट रहने वाला है। देखिए ये पेंट्री का आ गया पार्ट जिसमें वेंट्री वाश बेसिन के साथ टैप्स का प्रोविज़न लेके चले हैं और ये रहेगा अटैच वाशरूम। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग पर अरदास कर दें परमात्मा के वाहेगुरु के अगे कि आप जितने भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं, हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, भगवान उन सबको उन सब की विशेष के अकॉर्डिंग। जी वीर वीर दो मिनट रह गए यार, एक मिनट ही रहा, आया आया कट देखो ला 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 नहीं हूँ तो रुक गई ना वीडियो, उन्नी दे आ गया सी 20 मिनट की वीडियो, तीसरी बार हो गया। ओ यार भी लोगों के फोन आने कड़ी दे सुनता मैं, कट दे फोन कटेंगे एक बार तुम्हें कटना ना। हाँ जी हाँ जी बढ़िया जी, नहीं वीर हाँ जी जी हुक्म करो जी, किस बजट च नहीं आप ताही तो सजेस्ट करूंगा जो दसोगे, बनी हुई कोठी 3.5 करोड़ की रेंज है प्लाट। परमात्मा आप सबको बहुत प्यारे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सबको आपके अपने घर बनाता रहे, यही में हमारी अरदास रहेगी हमारे पूरे ग्रुप की ओर से।
थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और घर के साथ, एक और वीडियो के साथ।